और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनका आज अभिभाषण होना है। संसद के दोनों सदनों को आज अपने अभिभाषण से उसका आगाज़ वो करने जा रही हैं। इस समय राष्ट्रपति भवन से निकलने के दौरान की तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण आज सदन में होना है। ठीक 11 बजे अभिभाषण होना है आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें उनके संसद भवन पहुंचने तक के दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। तो संसद के दोनों सदनों में पेश करने वाली हैं आज धन्यवाद प्रस्ताव द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए ही सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को सदन और जनता के सामने लाएंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सरकार दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय राष्ट्रपति भवन के बाहर से जो तस्वीरें आ रही हैं अपने घुड़सवार अंगरक्षकों के बीच में, इस समय यहाँ जुलूस के रूप में आज संसद भवन तक पहुँचने वाली हैं, क्योंकि आज दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। उनका अभिभाषण होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी संसद भवन के गज द्वार पर द्रौपदी मुर्मू का इंतज़ार कर रहे हैं इस समय, क्योंकि स्वागत द्रौपदी मुर्मू का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी ही करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए अंगरक्षकों के बीच में इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बेकार वहाँ आगे बढ़ चुका है। आज अभिभाषण और अपनी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को सदन और जनता तक पहुँचाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अठारहवीं लोकसभा की जो सत्र का आगाज हुआ है, पहले दिन जिस तरह की शांति रही, उसका दूसरा दिन उससे ठीक विपरीत रहा। अब जब एक तरफ बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, तमाम सांसदों ने, प्रधानमंत्री ने संसद पद की शपथ ग्रहण कर ली है, तो आज के दिन जो सबसे महत्वपूर्ण कदम जो बढ़ाया जा रहा है वो राष्ट्रपति के यानी कि द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के लिए है, जो आज दोनों सदनों में वो देने वाली हैं, जिसमें सरकार की नीतियाँ, उनकी सरकार की नीतियाँ होंगी और भविष्य के लिए कार्यक्रम होंगे, जो आज सदन जहाँ पे सांसद मौजूद होंगे, जनता से चुने गए ये सांसद जिनको आज कार्यक्रम में द्रौपदी मुर्मू अपनी सरकार की नीतियों और कार्यक्रम की जानकारी देंगी। ना सिर्फ सांसद बल्कि पूरे देश की जनता, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण सुनना, कि किस तरह की बड़ी बातें और वो क्या लक्ष्य तय किए जाएंगे जो सरकार के लिए इन तस्वीरों में आप नीतियों के तौर पर और कार्यक्रम के तौर पर आज पटल पर रखने वाली हैं और सदन में सुनाने वाली हैं, जनता को सुनाने वाली हैं आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अंगरक्षकों के बीच में ये कारवां आगे बढ़ता हुआ राष्ट्रपति भवन से अब सदन संसद की तरफ तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 बजे आज समय है जब अभिभाषण होना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। एक तरफ आपने देखा कि जिस तरह से संग्राम मचा रहा सदन के अंदर अब तक, वो कल शांत हुआ है ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर नियुक्त होने के बाद, क्योंकि इस बार विपक्ष की मौजूदगी भी अच्छी खासी संख्या में है, तो ऐसे में विपक्ष ने अपनी मौजूदगी दिखाई और अपने कड़े तेवर ही दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को बतौर उम्मीदवार घोषित कर दिया। कल चुनाव हुआ, कल आपने देखा सर्वसम्मति से ओम बिरला जो हैं वो
लोकसभा स्पीकर एक बार फिर से चुने गए हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुने गए हैं उनको भी आपने सुना, और हर तरफ से बधाइयां देने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो कल पूरे दिन भर चलता रहा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास के पन्नों में कल का दिन दर्ज कर लिया गया है जब लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ है। सर्वसम्मति से अच्छी खासी सत्ता पक्ष के पास जो संख्या है सांसदों की, उनसे चुनाव जीतते हुए ओम बिरला नजर आए। अब आज बेहद महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि अब सदन की कार्रवाई जो शुरू होगी वो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही शुरू हो जाएगी। अब उसी पथ पर आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय सदन की तरफ कूच कर रही हैं, संसद की तरफ कूच कर रही हैं। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज गुरुवार का दिन और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की संयुक्त बैठक को आज संबोधित करने जा रही हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये नेतृत्व वाली जो नवनिर्वाचित एनडीए सरकार है, इनकी प्राथमिकताओं को तो सामने रखा ही जाएगा, उपलब्धियां तो बताई ही जाने वाली हैं, लेकिन आगे जिस तरह से कार्य होने हैं उसको लेकर भी अपनी सरकार के बारे में आज तमाम बड़ी बातें आप आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सुनने जा रहे हैं। तो 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में द्रौपदी मुर्मू का ये पहला संबोधन होने जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने से आप देख सकते हैं, जहां ये कारवां आगे की तरफ बढ़ रहा है। संसद तक जाने वाला ये कारवां, जहां अंगरक्षकों के बीच में, घुड़सवार अंगरक्षकों के बीच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और ये पूरा कारवां है, ये सदन की ओर बढ़ रहा है। तो 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है, स्पीकर के पद के चुनाव के बाद आज डिप्टी स्पीकर के नाम की भी घोषणा हो सकती है, ये भी एक बड़ी जानकारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद डिप्टी स्पीकर कौन होना है इसको लेकर भी आज स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, जिसको लेकर घमासान मचा रहा है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर ही मांगा है विपक्ष ने और वो देने से इनकार नहीं किया तो हामी भी नहीं भरी है। अब वो दो दिन की गहमागहमी, तीन दिन की गहमागहमी आप कहिए जो चली है, वो अब शांत हो चुकी है। आज सबकी निगाहें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर रहने वाली हैं, संयुक्त सत्र को संबोधित करने जा रही हैं राष्ट्रपति आज। तो कुछ ही देर के बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू हो जाएगा। हालांकि इस बीच आपको यह भी बता देते हैं कि दिल्ली की सरकार के अंदर जो गहमा गहमी चल रही है, अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के द्वारा जो अब एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया है, उस पर यह भी एक अपडेट है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होना है आम आदमी पार्टी ने उसका बहिष्कार किया है। तो आप कह सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिस तरह से राजनीतिक चरम पर है, उस तरह से आज राष्ट्रपति के अभिभाषण को जहां आज पूरा देश सुनेगा तो आम आदमी पार्टी इसका बहिष्कार कर रही है। थोड़ी देर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप सुन पाएंगे, सदन के अंदर से आप उनको देख पाएंगे, क्योंकि आज सदन के दोनों ही सत्रों को वो संबोधित करने जा रही हैं, संयुक्त सत्र हैं लोकसभा और राज्यसभा के, जिसको आज संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो आज मौसम सुहाना है, सबसे बड़ी बात यह है कि झमाझम बारिश दिल्ली एनसीआर में हुई है, मानसून ने दस्तक दी है, और इसी सुंदर सुहाने मौसम के बीच में ये बहुत ही सुंदर तस्वीरें जो आ रही हैं उनको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का दिन जहां एक तरफ सरकार की उपलब्धियां बताने वाली हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियां द्रौपदी मुर्मू बताएंगी, वहीं आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में क्या नए कार्यक्रम, क्या नई नीतियां जो सरकार की तरफ से की जानी हैं उसको लेकर भी आज उनकी तरफ से कहा जाएगा। विनीत हमारे सहयोगी
और जानकारी के साथ इस समय मौजूद है। विनीत, देखिए बहुत ही सुंदर तस्वीरें आ रही हैं, मौसम बहुत सुहाना हो गया है, झमाझम बारिश हुई है, और इस बीच जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कारवा जो है ये घुड़सवार अंगरक्षक घुड़सवारों के बीच से गुजरता हुआ बस अब थोड़ी ही देर में पहुंच जाएगा और संयुक्त सत्र को आज संबोधित करेंगी। सबकी निगाहें रहने वाली है इस बात पर कि अपनी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाएंगी, ये गठबंधन की सरकार है, लेकिन ये आगे की नीतियां और आगे जो कार्यक्रम गठबंधन की सरकार को करने हैं उसमें क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, वो बड़ी बातें आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुंह से सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो राष्ट्रपति भवन से निकल गई हैं, और जैसा कि हम तस्वीरों से के माध्यम से दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि लगातार जो है उनका काफिला जो है वो बढ़ता जा रहा है और अब से थोड़ी ही देर बाद संसद भवन जो है वो पहुंच जाएगा। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा उस पर सबकी नजरें जो है वो बनी हुई है कि आखिरकार मोदी 3.0 में किस तरह की सरकार रहेगी। हालांकि जो अपने पिछले के कार्यकाल के जो मोदी 2.0 में जब तक है वो सरकार थी उनकी उपलब्धियों के बारे में निश्चित तौर पर वो बताएंगे, लेकिन आगे आने वाले राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होगा उसमें आगे आने वाले सरकार की क्या रूपरेखा रहेगी उसे समझा जा सकता है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो तीसरी बार जीते थे और बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय गए थे, उन्होंने गठबंधन धर्म की जो है वो बात की थी, उन्होंने कई बार जो है वो एनडीए की सरकार की बात की थी, और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बात ये की थी कि जिस तरह से कठोरता से कड़े फैसले जो है पिछली सरकारों में लिए गए थे उनके द्वारा उसे जो है वो निरंतरता में जारी रहेगी। तो इसकी बात जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो है निश्चित तौर पर जो भ्रष्टाचार के मुहिम की बात जो की गई थी, साथ ही साथ जिस तरह से एक और अपडेट आपसे लेना चाहेंगे, क्या आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया है? जी मैम, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो है आम आदमी पार्टी ने जो है वो बहिष्कार किया है। साथ ही साथ अगर हम समाजवादी पार्टी की ओर से बात करें तो कहीं ना कहीं कल भी जब हमने देखा अखिलेश यादव जो है वो ओम बिरला के निर्वाचन के बाद जो है वो बोल रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने इशारों में सिंगौल को लेकर के जो है वो अपनी बात रखी थी। अब समाजवादी पार्टी के सांसद भी जो है वो भी सिंगौल को लेकर के जो है वो अपनी बात रख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर यह देखना जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि किस तरह से जो है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण को जो है अन्य पार्टियां देखती है। हालांकि अगर हम मुख्य पार्टियों की बात करें तो ना ही कांग्रेस की ओर से या फिर कांग्रेस की ओर से हो या फिर अन्य विपक्षी पार्टियों की ओर से हो, उनके द्वारा जो है पूरी तरह से जो है इसको सुना जाएगा, इसमें जो है वो उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर सरकार की बात करें तो सरकार की उपलब्धियां को तो बताई जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी 3.0 की जो रूपरेखा होगी उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल की तो बात में हो ही रही थी, साथ ही साथ विकास के जो अन्य काम हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्षेत्र में विकास की बात हो, चाहे वो फिर हम देखे कि लोगों के जीवन में परिवर्तन की बात हो, क्योंकि हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जब तीसरी बार जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला था और पहला जो महत्वपूर्ण फैसला लिया था किसान सम्मान निधि के लिए फंड जो है वो जारी किए गए थे, तो क्या अब यहाँ पर भी किसानों के लिए जिस तरह से काम किए जा रहे हैं उसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण दिशा और जो है वो दी जाएंगे। इसके साथ ही साथ आवास योजना को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार में जो है वो महत्वपूर्ण फैसले जो है कैबिनेट के द्वारा लिए गए थे, पहली कैबिनेट की बैठक में आवास योजना को लेकर के बैठक की गई थी, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी जो जिस तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो या शहरी आवास योजना हो इसको लेकर के क्या कुछ में कहा जाता है, यह काफी महत्वपूर्ण जो है वो हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें फूड सिक्योरिटी की भी बात करें, जैसा कि किसानों को लेकर के बात की गई थी, फूड सिक्योरिटी को लेकर के बात की गई थी, अभी जिस तरह से बात चल रही है कि मनरेगा में जो है वो विजिट के साथ साथ पैसे के साथ साथ जो है वो अन्न जो है वो दिया जाए, तो क्या इसको लेकर के भी खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर के भी या फिर हर एक लोगों तक खाद्यान्न की पहुंच बने इसको लेकर के भी जो है वो राष्ट्रपति क्या कुछ मैं कह सकती है, यह भी मैं देखना जो है वो काफी महत्वपूर्ण में हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अब अगर हम बात करें तो जिस तरह से पिछली सरकार में या फिर हमने पिछली बार राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना था उस वक्त उन्होंने मैं ये दावा किया था कि किस तरह से
भारत में जो है लोगों का जीवन स्तर जो है वो बढ़ा है, गरीबी रेखा से ऊपर जो है लोगों का जीवन जो है वो बढ़ा है। लगभग जिस तरह से 25 करोड़ लोग जो का पिछले 10 साल में गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं उसकी बात की गई थी, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे भारत में गरीबी रेखा से जो लोग हैं वो ऊपर उठेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम बात करें महिलाओं की बात करें, क्योंकि पिछली सरकार में जिस तरह से हमने देखा था कि महिला आरक्षण को लेकर के जो है वो विधेयक पास किया गया था, तो क्या इसको लेकर के अब क्या अब वो जो विधेयक पास हुआ था अब क्या उसको लेकर के अब निर्णय लेने की बात जो है वो की जाएगी, क्या रूपरेखा अब होगी इसको लेकर के भी जो है वो यहाँ पर देखना जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देश में लोगों के जीवन बदलने की बात करते हैं, या फिर अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के नीति जो है वो बनाई जाएगी, इसको लेकर के राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो है वो हमें कहीं ना कहीं झलक मिल सकती है कि आखिरकार जो देश है वो किस तरह से आगे बढ़ने की बात जो है वो कर रहा है, चाहे हम महिलाओं की बात करें, दलितों की बात करें, आदिवासियों की बात करें, क्योंकि हम अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी हो जाता है कि जिस तरह से संविधान को जो है बचाने की बात जो है वो लगातार विपक्ष की ओर से किया जा रहा था, तो इस बार ठीक है विनीत, ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संसद के बाहर की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं संसद और थोड़ी देर में अभिभाषण होगा राष्ट्रपति का। और आपको बता दें कि अगले 5 सालों के लिए नई सार के रोडमैप की रूपरेखा को आज पेश करेंगे राष्ट्रपति, और 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जारी है और सभी नव निर्वाचित सदस्य शपथ भी ले चुके हैं और आज राष्ट्रपति का अभिभाषण, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वागत के लिए प्रधानमंत्री और साथ ही उपराष्ट्रपति बाहर ही मौजूद थे, और देखिए अब संसद की ओर आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और राष्ट्रगान होगा जिसके बाद में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। तो गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, और अब संसद के भीतर प्रवेश करते हुए आप राष्ट्रपति को देख पा रहे हैं। अब क्या होता है अभिभाषण वो भी जान लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 87 के मुताबिक राष्ट्रपति को प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद में सत्र की शुरुआत में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना होता है। तो सेंगल के साथ में राष्ट्रपति आगे बढ़ते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और ये एक परंपरा है, हर बार जब भी नई लोकसभा का गठन होता है उसके बाद में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, और ठीक पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बस कुछ ही मिनट और जिसके बाद में नई सरकार के रोडमैप को राष्ट्रपति जनता के सामने रखेंगी, और इस बार क्या कुछ सरकार की विशेषताओं में रहता है, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहता है, इसके जरिए काफ़ी हद तक वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार महिलाओं के हित में केंद्र की सरकार कुछ बड़े फैसले भी ले सकती है। तो जब नई लोकसभा का गठन होता है, राष्ट्रपति हर साल संसद के पहले सत्र में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं, और राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से सरकार अपने कार्यक्रमों और साथ ही नीतियों की रूपरेखा को जनता के सामने रखती है। इसमें पिछले साल सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए थे उस पर भी प्रकाश डाला जाता है, यानी कि जो फैसले अभी तक लिए गए हैं सरकार की तरफ से जनता के हित में उसको भी आज जनता के सामने रखा जाएगा, और साथ ही रोडमैप को।
और सरकार की आने वाले दिनों में क्या कुछ प्राथमिकता रहने वाली है, उनको भी आज राष्ट्रपति जनता के सामने रखेंगे। माननीय सदस्यगण, मैं 18वें लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी यहाँ देश के मतदाताओं का विश्वास जीतकर आए हैं। देश सेवा और जन सेवा का ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है आप राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपना दायित्व निभाएंगे, 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेंगे। मैं श्री ओम बिरला जी को लोकसभा के अध्यक्ष की गौरवपूर्ण भूमिका के निर्वहन के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। उनके पास सार्वजनिक जीवन का बहुत व्यापक अनुभव है। मुझे विश्वास है कि वे लोकतांत्रिक परंपराओं को अपने कौशल से नई ऊंचाई से देने में सफल होंगे। माननीय सदस्यगण, मैं आज कोटि कोटि देशवासियों को की तरफ से भारत के चुनाव आयोग का भी आभार व्यक्त करती हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू कश्मीर में भी सामने आए हैं। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। बीते चार दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच कम मतदान का दौर ही देखा था। भारत के दुश्मन इसको वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे, लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने देश और दुनिया में ऐसे हार ताकत को करारा जवाब दिया है। पहली बार इस लोकसभा चुनाव में घर पर जाकर भी मतदान कराया गया है। मैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर कर्मी को सराहना करती हूं और अभिनंदन करती हूं। माननीय सदस्यगण, 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों में लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। ऐसा हुआ छह दशक
सब बात ऐसा हुआ है, ऐसा समय में जो भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है, इसलिए 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया है, ये उस पर मुहर है। ये जनादेश है कि भारत की विकसित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्त करते रहे। माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा कई मायनों में एक ऐतिहासिक लोकसभा है। ये लोकसभा अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में गठित हुई है। ये लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 75वीं वर्षों की भी साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है कि इस लोकसभा में जनकल्याण के फसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। आगामी सत्र में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए रिफॉर्म्स की गति अब और तेज की जाएगी। मेरी सरकार का मत है कि दुनिया भर में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य में स्वस्थ स्पर्धा है, हो यही कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सच्ची स्पिरिट है। राज्यों के विकास से देश का विकास, इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। माननीय सदस्यगण, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। 10 साल में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर 5वें नंबर पर पहुंचा है। साल 2021 से लेकर साल 2024 के बीच भारत में औसतन 8% की रफ्तार से विकास किया है और ये ग्रोथ सामान्य समय में नहीं हुई है। बीती वर्षों में हमने 100 साल की सबसे बड़ी आपात देखी। वैश्विक महामारी के कालखंड और विश्व के अलग अलग कोने में चल रही संघर्षों के बावजूद भारत ने ये विकास दर हासिल की है। ये बीते 10 साल के रिफॉर्म्स और राष्ट्रहित में के लिए किए गए फैसले के कारण संभव है। आज भारत अकेले ही दुनिया की ग्रोथ में 15% का योगदान दे रही है। आप मेरी सरकार भारत को विश्व की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने में जुटी हुई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति विकसित भारत की नींव को भी मजबूत करने में के काम करेगी। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। PLI स्कीम्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रही है।
पारंपरिक सेक्टर्स के साथ साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे सेमीकंडक्टर हो या सोलर हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरीज हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो या फाइटर जेट्स हो, भारत इन सब सेक्टर्स में अपना विस्तार कर रहा है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए भी मेरी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार सर्विस सेक्टर को भी मजबूत करने में जुटे हैं। आज आईटी से लेकर टूरिज्म तक, हेल्थ से लेकर वेलनेस तक, हर सेक्टर में भारत लीडर बन रहा है और इससे बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए मौके बन रहे हैं। माननीय सदस्यगण, पिछले 10 वर्षों में मेरी सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर बहुत जोर दिया गया है। गाँव में कृषि आधारित उद्योगों, डेयरी और फिशरीज आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। इसमें भी सहकारिता को प्राथमिकता दी गई है। सरकार किसानों उत्पाद संघ, एफपीओ और पैक्स जैसे सरकारी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क बना रही है। छोटे किसानों की बड़ी समस्या भंडारण से जुड़े होती है, इसलिए मेरी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम कर शुरू कर चुकी है। किसान अपने छोटे खर्चे पूरे करने के लिए इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 3,20,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा राशि दे सकती। मेरी सरकार के नए कार्यकाल के शुरुआत दिनों से ही किसानों को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। माननीय सदस्यगण, आज का भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो और ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात से किसानों की आमदनी बढ़े, इस सोच के साथ नीतियाँ बनाई गई है, निर्णय लिए गए हैं। जैसे भारत दलहन और तिलहन में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए देश के किसानों को हर संभव मदद दे रहे हैं, ग्लोबल मार्केट में किस तरह के फूड प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है इसके आधार पर नई रणनीति बनाई जा रही है। आजकल ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर दुनिया में डिमांड तेजी से बढ़ रही है। भारत के किसानों के पास इस डिमांड को पूरा करने के पूरा भरपूर क्षमता है, इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़ी उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रही है। ऐसे प्रयासों से किसानों का खेती पर होने वाला खर्च भी कम होगा और उनकी आय भी और बढ़ेगी। माननीय सदस्यों, आज का भारत दुनिया की चुनौतियों बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को समाधान देने के लिए माना जाता है। विश्व बंधु के तौर पर भारत ने अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान को लेकर पहल की है। जलवायु परिवर्तन से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, पोषण से लेकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तक हम अनेक समाधान दे रहे हैं। हमारे मोटे अनाज श्री अन्न की पहुंच सुपर फूड के तौर पर दुनिया के कोने कोने में हो, इसके लिए भी अभियान चल रहा है। भारत की पहल पर पूरी दुनिया ने वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाया है। आपने देखा है हाल ही में पूरी दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया है। भारत की इस महान परंपरा की प्रतिष्ठा विश्व में लगातार बढ़ रही है। योग और आयुष को बढ़ावा देकर भारत एक स्वस्थ विश्व के निर्माण में मदद कर रही है। मेरी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता भी कई गुना बढ़ाई है। हम जलवायु से जुड़े लक्ष्यों को निर्धारित समय से पहले प्राप्त करने की दिशा दिखा रहा है। नेट जीरो के लिए आज भारत के प्रयास कई दूसरे देशों को प्रेरित कर रहे हैं।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे पहल पर आज रिकॉर्ड संख्या में दुनिया के देश हमारे साथ जुड़े हैं। माननीय सदस्यगण, आने वाला समय ग्रीन एरा यानी हरित युग का है। मेरी सरकार इसके लिए भी हर जरूरी कदम उठा रही है। हम हरित उद्योगों पर निवेश बढ़ा रहे हैं जिससे ग्रीन जॉब्स भी बढ़े हैं। ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी, हर मोर्चे पर हम बड़े लक्ष्यों के साथ काम कर रहे हैं। मेरी सरकार अपने शहरों को दुनिया के बेहतरीन लिविंग स्पेस बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रदूषण से मुक्त, साफ सुथरे और सुविधायुक्त शहरों में रहना भारत के नागरिकों का हक है। विशेष रूप से छोटी शहरें और कस्बे में बीते 10 वर्षों से अभूतपूर्व निवेश किया गया है। भारत में आज दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। अप्रैल 2014 में भारत में सिर्फ 209 एयरलाइन रूट्स थे। अप्रैल 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 605 हो गया है। हवाई यात्रा में हो रहे इस विस्तार का सीधा लाभ Tier 2, Tier 3 शहरों को हो रहा है। 10 वर्षों में देश के 21 शहरों तक मेट्रो सुविधाएं पहुंची हैं। वंदे मेट्रो जैसे कई योजनाएं पर काम चल रही है। भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया में बेहतरीन हो, इस लक्ष्य के साथ मेरी सरकार काम कर रही है। माननीय सदस्यगण, मेरा सरकार इन आधुनिक मापदंड पर काम कर रही है जिससे भारत विकसित देश के सामने बराबरी से खड़े हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इस दिशा में बदलते भारत की नई तस्वीर के रूप में उभारा है। मेरी सरकार ने 10 वर्षों में पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव में 3,80,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनाई। आज भारत में नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का जाल बिछ रहा है। नेशनल हाईवेज बनाने की गति में भी 2 गुनी से अधिक की वृद्धि हुई है। अहमदाबाद मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल इकोसिस्टम का निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मेरी सरकार ने उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत के बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स के लिए फिजिबिलिटी स्टडीज शुरू करने का फैसला किया है। पहली बार देश में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास पर इतने व्यापक रूप से काम शुरू हुआ है। इसका बड़ा लाभ नॉर्थ ईस्ट को होगा। मेरी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 10 वर्षों में आवंटन में 4 गुना से अधिक की वृद्धि की है। सरकार इस क्षेत्र को एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत स्ट्रेटेजिक गेटवेज बनाने के लिए काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में हर तरह की कनेक्टिविटी का बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार, हर क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। असम में 27,000 करोड़ रुपये की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट बनाया जा रहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट मेड इन इंडिया चिप्स को भी सेंटर होने वाला है। मेरी सरकार नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए निरंतर काम कर रही है। पिछले इस 10 वर्षों में अनेक पुराने विवादों को हल किया गया, अनेक अहम समझौते हुई है। नॉर्थ ईस्ट में अशांत क्षेत्रों में तेज विकास करके चरणबद्ध तरीके से अफसा हटाने का काम भी जारी है। देश के हर क्षेत्र में विकास के ये नए आयाम भारत के भविष्य का उद्घोष कर रहे हैं। माननीय सदस्य, वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए समर्पित मेरी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के एक नई युग की शुरुआत की है। देश की नारी शक्ति लंबे समय तक लोकसभा और विधानसभा में अधिक भागीदारी की मांग कर रही थी। आप उनके पास नारी शक्ति बंधन अधिनियम की ताकत है। सरकार की योजनाओं की वजह से पिछले एक दशक में महिलाओं का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ा है। आप जानते हैं कि
बीते 10 वर्षों में बने 4 करोड़ पीएम आवास में से ज्यादातर महिलाओं के नाम ही आवंटित हुई है। आप तीसरी कार्यकाल के शुरुआत में ही सरकार ने 3 करोड़ नए घर बनाने की स्वीकृति दे दी है। इनमें से भी अधिकतर घर महिलाओं के नाम पर ही आवंटित होंगे। बीते 10 वर्षों में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़े हैं। मेरी सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाए हैं। इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद भी बढ़ाई जा रही है। सरकार का प्रयास है कि महिलाओं का कौशल बढ़े, कमाई के साधन बढ़े और उनका सम्मान भी बढ़े। नमो ड्रोन दीदी योजना इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक बन रही है। इस योजना के तहत हजारों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को ड्रोन दिए जा रहे हैं। ड्रोन पायलट बनने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मेरी सरकार ने हाल ही में कृषि खेती सखी कार्यक्रम भी शुरू किया है। इसके तहत अभी तक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 30,000 महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं। कृषि सखियों को आधुनिक खेती की तकनीक में प्रशिक्षण किया जा रहा है ताकि वे कृषि को और आधुनिक बनाने में किसानों की मदद कर सकें। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का ये भी प्रयास है कि महिलाएं अधिक से अधिक बचत कर सकें। बैंक खातों में जमा राशि पर बेटियों को ज़्यादा ब्याज देने वाला सुकन्या समृद्धि योजना की लोकप्रियता से हम परिचित हैं। मुफ्त राशन और सस्ते गैस सिलेंडर की योजना से महिलाओं को बहुत लाभ हो रहा है। अब मेरी सरकार बिजली का बिल जीरो करने और बिजली बेचकर कमाई करने की योजना भी लाई है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इसके लिए मेरी सरकार प्रति परिवार 78,000 रुपये तक की मदद कर रही है। इतने कम समय में 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार इन योजना में रजिस्टर कर चुके हैं। जिन घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं अब वहाँ बिजली का बिल जीरो हो गया है। माननीय सदस्यगण, विकसित भारत का निर्माण तो भी संभव है जब देश के गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसान सशक्त होंगे। इसलिए मेरी सरकार की योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता इन्हीं 4 स्तंभों को दी जा रही है। हमारी कोशिश इन तो हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने की है और यही सैचुरेशन को की अप्रोच भी है। जो भारत इस इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही है कि सरकारी योजना से एक भी व्यक्ति छूटे नहीं तो इसका लाभ सभी को होता है। सरकार की योजनाओं एवं सैचुरेशन अप्रोच के कारण ही 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछले वर्ग, हर समाज, हर क्षेत्र के परिवार है। 10 वर्षों में लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस ने इन वर्गों का जीवन बदल दिया है। विशेषकर आदिवासी समाज में ये बदलाव और भी स्पष्ट नजर आ रहा है। 24,000 करोड़ रुपये से अधिक की पीएम जनमन जैसी योजना आज अति पिछड़े जनजातियों समूह के उत्थान का माध्यम बन रही है। सरकार पीएम सूरज पटल के माध्यम से वंचित वर्ग तक आजीविका के अवसरों को पहुंचाने के लिए सुलभ ऋण भी उपलब्ध करा रही है। मेरी सरकार दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए किफायती और स्वदेशी सहायक उपकरण विकसित कर रही है। देश भर में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रों का भी विस्तार किया जा रहा है। वंचितों की सेवा का ये संकल्प ही सच्चा सामाजिक न्याय है। माननीय सदस्यगण, देश की श्रम शक्ति के सम्मान के लिए श्रमिक बंधुओं का कल्याण और सशक्तिकरण मेरी सरकार की प्राथमिकता है।
मेरी सरकार श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एकीकृत कर रही है। डिजिटल इंडिया तथा डाकघरों के नेटवर्क का उपयोग करके दुर्घटना और जीवन बीमा के कवरेज को बढ़ाने का काम हो रहा है। पीएम स्वनिधि का विस्तार किया जाएगा और ग्रामीणों और सेमी अर्बन क्षेत्रों के रेडी पटरी वाले भाइयों बहनों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। माननीय सदस्यगण, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति समाज के निचले तबके की प्रगति पर निर्भर करती है। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्र की उपलब्धियों और विकास का आधार गरीब का सशक्तिकरण रहा है। मेरी सरकार ने पहली बार गरीब को ये एहसास करवाया कि सरकार उनकी सेवा में है। कोरोना के कठिन समय में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना का लाभ उन परिवारों को भी मिल रहा है जो गरीबी से बाहर निकले हैं, ताकि उनके कदम वापस पीछे ना जाए। स्वच्छ भारत अभियान में भी गरीब के जीवन की गरिमा से लेकर उसके स्वास्थ्य तो का राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया है। पहली बार देश में करोड़ों गरीबों के लिए शौचालय बनाया गया है। ये प्रयास हमें आश्वस्त करते हैं कि देश आज महात्मा गांधी के आदर्शों का सच्चे अर्थों में अनुसरण कर रहा है। मेरी सरकार 55 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाए हैं। देश में 25,000 जन औषधि केंद्रों को खोलने का काम भी तेजी से चल रहा है। आप इस क्षेत्र में सरकार एक और निर्णय लेने जा रही है। आप आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी मिलेगा। माननीय सदस्यगण, अक्सर विरोधपूर्वक मानसिकता और संकीर्ण स्वार्थ के कारण लोकतंत्र की मूल भावना का बहुत अहित हुआ है। इसका प्रभाव संसदीय प्राणी पर भी पड़ता है और देश की विकास यात्रा पर भी पड़ता है। देश में कई दशकों तक अस्थिर सरकार के दौर में कई सरकारें चाहते हुए भी ना रिफॉर्म कर पाए और ना ही आवश्यक निर्णय ले पाए। भारत की जनता ने निर्णायक बनकर इस स्थिति को बदला है। बीते 10 वर्षों में ऐसे अनेक रिफॉर्म्स हुई है जिनका बहुत लाभ देश को आज मिल रहा है। जब ये रिफॉर्म्स किए जा रहे थे तो भी इनका विरोध किया गया था। नकारात्मकता फैसले की कोशिश की गई थी, लेकिन ये सारे रिफॉर्म्स समय की कसौटी पर खरे साबित हुए हैं। 2 साल पहले भारत के बैंकिंग सेक्टर को डूबने से बचाने के लिए सरकार ने बैंकिंग रिफॉर्म्स किए, आईबीसी जैसी कानून बनाए। आज इन्हीं रिफॉर्म्स के ने भारत के बैंकिंग सेक्टर को दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सेक्टर में से एक बना लिया। हमारे सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक आज मजबूत और लाभदायक हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लाभ 2023-24 में 1.4 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया, जो पिछले वर्षों की तुलना में 35% अधिक है। हमारे बैंकों की मजबूती उन्हें ऋण आधार का विस्तार करने और राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए सक्षम बनाती है। सरकारी बैंकों का एनपीए भी लगातार कम हो रही है। आज SBI रिकॉर्ड मुनाफे पर है। आज LIC पहले से कहीं अधिक मजबूत है। आज HAL भी देश की डिफेंस इंडस्ट्री को ताकत दे रही है। आज GST भारत की इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने का, व्यापार कारोबार को आसान बनाने का माध्यम बना रहे हैं। अप्रैल महीने में पहली बार GST कलेक्शन ने 2 लाख करोड़ रुपये का स्तर पार कर गया है।
इससे राज्यों की आर्थिक ताकत भी बढ़ी है। डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट्स के प्रति भी आज पूरा विश्व आकर्षित हो रही है। माननीय सदस्यगण, एक सशक्त भारत के लिए हमारे सैन्य बलों में आधुनिकता जरूरी है। युद्धों की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ रहे, इसके लिए सेनाओं में रिफॉर्म्स की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। इसी सोच के साथ मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में डिफेंस सेक्टर में अनेक रिफॉर्म्स किए हैं। GDS जैसे रिफॉर्म्स ने हमारी सेनाओं को नई मजबूती दी है। मेरी सरकार ने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ऑर्डनांस फैक्ट्रीज के रिफॉर्म से डिफेंस सेक्टर को बहुत लाभ हुआ है। 40 से अधिक ऑर्डनांस फैक्ट्रीज को 7 निगमों में संगठित करने से उनकी क्षमता और दक्षता दोनों बढ़ी है। ऐसे ही रिफॉर्म्स के कारण भारत आज 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। पिछले एक दशक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 18 गुना अधिक होकर 21,000 करोड़ रुपया तक पहुंच चुका है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मास मिसाइल का रक्षा सौदा डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत की पहचान मजबूत कर रहा है। सरकार ने युवाओं और उनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर की मजबूत नींव तैयार की है। मेरी सरकार उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर्स भी विकसित कर रही है। हम सभी के लिए एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष हमारी सैन्य जरूरतों की लगभग 70% खरीद भारतीय उद्योगों से ही की गई है। हमारी सेनाओं ने 500 से अधिक सैन्य साजो सामान को विदेशों में नहीं मंगाना तय किया है। ये सभी हथियार और उपकरण अब सिर्फ भारतीय कंपनियों से ही खरीद की जाएगी। मेरी सरकार ने सैनिकों के हितों को भी हमेशा प्राथमिकता दी है, तभी 4 दशक के बाद 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया गया है। इसके तहत अब तक 1,20,000 करोड़ रुपया दिए जा चुके हैं। शहीद सैनिकों के सम्मान के लिए सरकार ने कर्तव्य पथ के एक छोर पर नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना भी की है। ये प्रयास केवल वीर जवानों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र का नमन ही नहीं है, बल्कि राष्ट्र प्रथम की अनवरत प्रेरणा का स्रोत भी है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार देश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए जरूरी माहौल बनाने में जुटी है। बीते 10 वर्षों में ऐसे हर अवरोध को हटाया गया है जिसके कारण युवाओं को परेशानी थी। पहले अपने ही प्रमाण पत्रों को अटेस्ट करने के लिए युवाओं को भटकना पड़ता था, अब युवा सेल्फ अटेस्टेड करने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ग्रुप सी ग्रुप डी भर्तियों से इंटरव्यू को खत्म किया गया है। पहले जो विद्यार्थी सिर्फ भारतीय भाषा में पढ़ाई करते थे उनके साथ अन्याय की जाती थी। मेरी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर इस अन्याय को दूर करने के लिए कदम उठाए। युवाओं को अब भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का विकल्प भी मिला। विगत 10 वर्ष में देश में 7 नई IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 नई एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। मेरी सरकार इन संस्थानों को और मजबूत बनाकर आवश्यकता के अनुसार इनकी संस्था को भी बढ़ाएंगे। सरकार एक डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। अटल टिंकरिंग लैब्स, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसे अभियान हमारे युवाओं का सामर्थ्य बढ़ा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों से आज भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है।
माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी और बढ़ाने के लिए मेरा युवा भारत माय भारत अभियान की शुरुआत भी की है। इसमें अब तक 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं का पूंजीकरण हो चुका है। इस पहल से युवा में नेतृत्व कौशल और सेवा भावना का बीजारोपण होगा। आज हमारे युवाओं को खेलों में भी आगे बढ़ने के नए अवसर मिल रहे हैं। मेरी सरकार के प्रभावी प्रयासों का परिणाम है कि भारत के युवा खिलाड़ी वैश्विक मंचों पर रिकॉर्ड संख्या में मेडल्स जीत रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद पेरिस ओलंपिक्स में भी शुरू होने वाले जा रहे हैं। ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हर खिलाड़ी पर हमें गर्व है। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। इन उपलब्धियों को और आगे ले जाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ 2036 ओलंपिक्स खेलों की मेजबानी की तैयारी भी कर रही है। माननीय सदस्यगण, जुलाई की 1 तारीख से देश में भारतीय न्याय संहिता भी लागू हो जाएगी। अंग्रेजी राज में गुलामों को दंड देने की मानसिकता थी। दुर्भाग्य से आज़ादी के अनेक दशकों तक गुलामी के दौर की यही दंड व्यवस्था चलती रही। इसे बदलने की चर्चा अनेक दशकों से की जा रही थी, लेकिन ये साहस भी मेरी सरकार ने ही करके दिखाए हैं। आप दंड के जगह न्याय को प्राथमिकता होगी, जो हमारे संविधान की भी भावना है। इन नई कानूनों से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी। आज जो विदेश अलग अलग क्षेत्रों में गुलामी की मानसिकता से मुक्त पा रहे हैं, तब ये उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है और ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की सच्ची श्रद्धांजलि भी है। मेरा सरकार ने सीए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। इससे बंटवारे से पंडित पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ है। जिन परिवारों को सीएए के तहत नागरिकता मिली है, मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूँ। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भविष्य निर्माण के प्रयासों के साथ ही भारतीय संस्कृति के वैभव और विरासत को फिर से स्थापित कर रही है। हाल में नालंदा यूनिवर्सिटी के भव्य कैंपस के रूप में इसमें एक नया अध्याय जुड़ा है। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी मात्र नहीं थी, बल्कि वे वैश्विक ज्ञान केंद्रों के रूप में भारत के गौरवशाली अतीत का प्रमाण थी। मुझे विश्वास है कि नई नालंदा यूनिवर्सिटी भारत को ग्लोबल नॉलेज हब बनाने में सहायक सिद्ध होगी। मेरी सरकार का ये प्रयास है कि भावी पीढ़ियों को हजारों वर्षों की हमारी विरासत प्रेरणा देती है। इसलिए पूरे देश में तीर्थस्थलों को
आस्था और अध्यात्म के केंद्र को सजाया सुभारा जा रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार विकास के साथ ही विरासत पर भी उतना ही गर्व करते हुए काम कर रही है। विरासत पर गर्व का ये संकल्प आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वंचित वर्ग और सर्व समाज के गौरव का प्रतीक बन रहा है। मेरी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की है। आप अगले वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। देश रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती को भी व्यापक स्तर पर मना रहा है। पिछले महीने ही देश ने रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती का साल भर चलने वाला महोत्सव भी शुरू किया गया। इससे पहले सरकार गुरु नानक देव जी का 550वां और गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व भी धूमधाम से मना चुके हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव से काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसी उत्सवों की परिपाटी भी मेरी ही सरकार ने शुरू की है। इन आयोजनों से हमारी नई पीढ़ियों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा मिलती है और राष्ट्र पर गौरव का भाव और मजबूत होता है। माननीय सदस्यगण, हमारी सफलताएं हमारी साझी धरोहर है, इसीलिए उन्हें अपनाने में संकोच नहीं, स्वाभिमान होना चाहिए। आज अनेक सेक्टर्स में भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ये उपलब्धियां हमें हमारी प्रगति और सफलताओं पर गर्व करने की अपार अवसर देती है। जो भारत डिजिटल पेमेंट्स के मामले में दुनिया में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत के वैज्ञानिक चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता से उतारते हैं, तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी बनता है तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत इतना बड़ा चुनाव अभियान बिना बड़ी हिंसा और अराजकता से पूरा कराए, तो भी हमें गर्व होना चाहिए। आज पूरा विश्व हमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में सम्मान देता है। भारत के लोगों ने हमेशा लोकतंत्र के प्रति अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया है। चुनाव से जुड़े संस्थाओं पर पूरा भरोसा जताया है। स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमें इस विश्वास को सहेज कर रखना है, इसकी रक्षा भी करना है। हमें याद रखना होगा, लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रिया पर लोगों के विश्वास को चोट पहुंचाना उसी डाल को काटना जैसे जिस पर हम सब बैठे हैं। हमारे लोकतंत्रों की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाने की हर कोशिश की सामूहिक आलोचना होना चाहिए। हम सभी को वो दौर याद है जो बैलेट पेपर छीन लिया जाता था, लूट लिया जाता था। मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए ईवीएम को अपनाने का फैसला किया गया था। पिछले कई दशकों में ईवीएम में सुप्रीम कोर्ट से लेकर जनता की अदालत तो खार कसौटी को पार किया है। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी सदस्यों से अपनी कुछ और चिंताएं भी साझा करना चाहती हूं। मैं चाहूंगी कि आप सभी इन विषयों पर चिंतन मनन करके इन विषयों पर ठोस और सकारात्मक परिणाम देश को दें। आज की संचार क्रांति के युग है। मैं विघटन करी तकते लोकतंत्र को कमजोर करने और समाज में दरार डालने की साजिश रच रहे हैं। ये तकते देश के भीतर भी है और देश के बाहर भी संचालित हो रहे हैं। इसके द्वारा अफवाह फैलाने का, जनता को भ्रम में डालने का, मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लिया जा रहा है। इस स्थिति को ऐसे ही बेरोक टोक नहीं चलने दिया जा सकता है। आज के समय में टेक्नोलॉजी हर दिन और उन्नत हो रही है। ऐसे में मानवता के विरुद्ध इनका गलत उपयोग बहुत घातक है। भारत ने विश्व मंच पर भी
इन चिंताओं को प्रकट किया है और एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की वकालत की है। हम सभी का दायित्व है कि इन प्रवृत्ति को रोके, इस चुनौती से निपटने के लिए नए रास्ते खोजे। माननीय सदस्यगण, 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में आज ग्लोबल ऑर्डर एक नया शक्ल ले रहा है। मेरी सरकार के प्रयासों से आज भारत विश्व बंधु के रूप में दुनिया को नया भरोसा दे रही है। मानव केंद्रित अप्रोच रखने की वजह से भारत आज किसी भी संकट के समय फास्ट रेस्पोंडर और ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बना है। कोरोना का महासंकट हो, भूकंप जैसी कोई त्रासदी हो या फिर युद्ध की स्थितियां, भारत भावना मानवता को बचाने में आगे रहा है। भारत को देखने का विश्व का नजरिया कैसे बदला है, ये इटली में हुई G7 समिट में भी हम सभी ने अनुभव किया है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भी विश्व को अनेक मुद्दों पर एकजुट किया है। भारत की अध्यक्षता के दौरान ही अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है। इससे अफ्रीका महाद्वीप के साथ साथ पूरे ग्लोबल साउथ का भरोसा मजबूत हुआ है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में चलते हुए भारत ने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया है। 7 पड़ोसी देशों के नेताओं का 9 जून को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेना मेरी सरकार की इस प्राथमिकता दर्शाते हैं। भारत सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्रों के देश के साथ भी सहयोग बढ़ा रही है। पूर्वी एशिया हो या फिर मिडिल ईस्ट और यूरोप, मेरी सरकार कनेक्टिविटी पर बहुत बल दे रही है। भारत के विजन ने ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को आकार देना शुरू किया है। ये कॉरिडोर 21वीं सदी के सबसे बड़ी गेम चेंजर में एक सिद्ध होगा। माननीय सदस्यगण, आने वाला कुछ महीने में भारत एक गणतंत्र के रूप में 75 वर्ष पूरी करने जा रहे हैं। भारत का संविधान बीते दशकों में हर चुनौती, हर कसौटी पर खरा उतरा है। जो संविधान बन रहा था तो भी दुनिया में ऐसे ताकतें थे जो भारत के असफल होने की कामना कर रही थी। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी ध्येय के साथ मेरी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। आप भारत के उस भूभाग, हमारे जम्मू कश्मीर में भी संविधान पूरी तरह लागू हो गया है, जहां आर्टिकल 370 की वजह से स्थितियां कुछ और थी। माननीय सदस्यगण, राष्ट्र की उपलब्धियों के निर्धारण इस बात से होता है कि हम अपने दायित्वों का निर्वहन कितनी निष्ठा से कर रहे हैं। 18वें लोकसभा में कई नई सदस्य पहली बार संसदीय प्रणाली का हिस्सा बने हैं। पुराने सदस्य भी नए उत्साह के साथ आए हैं। आप सभी जानते हैं कि आज का समय हर प्रकार से भारत के लिए बहुत अनुकूल है। आने वाले वर्षों में भारत की सरकार और संसद का क्या निर्णय लेती है,
क्या निर्णय लेती है, क्या नीतियां बनाती है, इस पर पूरा विश्व की नजर है। इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले, ये दायित्व सरकार के साथ साथ संसद के हर सदस्यों का भी होना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुई है, जो नया आत्मविश्वास देश में आया है, इससे हम विकसित भारत बनाने के लिए नई गति प्राप्त कर चुके हैं। हम सभी को ये हमेशा ध्यान रखना है कि विकसित भारत का निर्माण देश के हर नागरिक की आकांक्षा है, संकल्प भी है। इस संकल्प की सिद्धि में अवरोध पैदा ना हो, ये हम सभी का दायित्व है भी, कर्तव्य भी है। नीतियों का विरोध और संसदीय कामकाज का विरोध दो भिन्न बातें हैं। जब संसद सुचारू रूप से चलती है, जब यहाँ स्वस्थ चर्चा परिचर्चा होती है, जब दुर्गमी निर्णय होते हैं, तब तो लोगों का विश्वास सिर्फ सरकार ही नहीं पूरी व्यवस्था पर बनता है। इसीलिए मुझे भरोसा है कि संसद के पल पल का सदुपयोग होगा, जनहित को प्राथमिकता मिलेगा। माननीय सदस्यगण, हमारे वेदों में हमारे ऋषियों ने हमें कुछ नीति बाणी दिए हैं, जैसे कि समान मंत्र हो समिति ही समानी की प्रेरणा दी है, अर्थात हम एक समान विचार और लक्ष्य लेकर एक साथ काम करें, यही इस संसद की मूल भावना है। इसलिए जब भारत तीसरी नंबर की इकोनॉमी बनेगा तो देश की इस सफलता में आपकी भी सहभागिता होगी। हम जब 2027 में आज़ादी की शताब्दी का उत्सव विकसित भारत के रूप में मनाएंगे तो इस पीढ़ी को भी श्रेय मिलेगा। आज हमारे युवाओं में जो सामर्थ्य है, आज हमारे संकल्प में जो निष्ठा है, हमारी जो असंभव सी लगने वाली उपलब्धियां है, ये इस बात का प्रमाण है कि आने वाला दौर भारत का दौर है। ये सदी भारत की सदी है और इसका प्रभाव आने वाली 1000 वर्षों तक रहेगा। आइए हम सब मिलकर पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि में जुट जाएं, विकसित भारत बनाएं। आप सभी को मेरा बहुत 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रपति को सुन रहे थे और राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन में अभिभाषण था, सरकार का विजन रखती हुई दिखाई दी, किस तरह से सरकार आगे आने वाले 5 सालों में कामकाज करेगी, इस बात को राष्ट्रपति ने रखा। सरकार का जो पूरा रोड मैप है उसका खाका तैयार किया। आप जगदीप धनखड़ को सुनते हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, आई सीक टू रीड सम पार्ट्स फ्रॉम द इंग्लिश वर्जन ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट्स एड्रेस and the rest may be considered as read. Honorable members, I extend my heartiest congratulations and best wishes to all the newly elected members of the 18th Lok Sabha. I wish Sri Om Birla ji the very best for performing his exalted role as the Speaker of the Lok Sabha. Honorable members, I also express my gratitude to the Election Commission of India on behalf of crores of Indians today. This was the largest election in the world. The Kashmir Valley has broken all records of voter turnout in decades. Honorable members, the world is witnessing that the people of India have elected a stable government with clear majority consecutively for third term.
ऑनरेबल मेंबर्स, दिस लोकसभा विल ऑल्सो विटनेस टू द 75th ईयर ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ऑनरेबल मेंबर्स, द रिजोल्व टू परफॉर्म रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म हैज मेड इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टूडे. इन 10 ईयर्स इंडिया हैज रिजन टू बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी फ्रॉम बींग एन 11th रैंक्ड इकोनॉमी. ऑनरेबल मेंबर्स, इन द लास्ट 10 ईयर्स माई गवर्नमेंट हैज गिवन ग्रेट एम्फेसिस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ रूरल इकोनॉमी टू एनेबल फार्मर्स टू मीट देयर स्मॉल एक्सपेंसेस. मोर देन रुपीज 3,20,000 करोड़ हैव बीन डिसबर्स टू देम अंडर पीएम किसान सम्मान निधि. ऑनरेबल मेंबर्स, द फ्यूचर बिलोंग्स टू हरित युग और ग्रीन एरा. माई गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द एलोकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन.